वैसे तो काफ़ी लोग वन प्लस सिक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑनर ने ऑनर 10 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यह हैंडसेट 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के नॉच स्टाइल डिस्प्ले के साथ में आता है। इस पर डुअल कैमराज है पीछे की तरफ और एक बहुत ही बढ़िया सा दिखने वाला बैक पैनल के साथ में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस हैंडसेट में एक और खास चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, 32,999 रुपीज़। अब ये जो हैंडसेट है ये वन प्लस सिक्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। इस वीडियो में मैं इस हैंडसेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए और बेहतर होगा कि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए। तो ये है ऑनर 10 का बॉक्स पैक, इसे आप फ्लिपकार्ट से प्री ऑर्डर कर सकते हैं। प्री ऑर्डर के साथ में कुछ ऑफर्स भी हैं जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इस बॉक्स को मैंने खोल दिया है और देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर ये है ऑनर 10 हैंडसेट। इसे मैं निकाल देता हूँ। अब ये हैंडसेट दो कलर्स में अवेलेबल होगा, मिडनाइट ब्लैक और फैंटम ब्लू। ये जो हैंडसेट मेरे हाथ में है ये है फैंटम ब्लू। देख सकते हैं कि जो बैक पैनल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वैसे इस डिब्बे के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा और साथ में सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी मिलेगा। ये रिव्यू यूनिट है और मुझे यूज़र मैनुअल फ़िलहाल तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दो और चीज़ें हैं। एक तो है ये डेटा केबल, USB to USB Type-C डेटा केबल, और साथ में ये फास्ट चार्जर, ये क्विक चार्जर है। 9 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स इसका मैक्सिमम आउटपुट है, ये देखिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑनर 10 के बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है और अगर आप पीछे की तरफ ध्यान दें तो इस पर 3D ग्लास का उपयोग किया गया है और वो भी 15 लेयर है 3D ग्लास के, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा कलर इफेक्ट आपको मिलता है। ये हर एंगल से आपको अलग किस्म का लाइटिंग इफेक्ट देगा और अगर आप ध्यान से देखें तो कर्व्ड है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड और फिनिशिंग है। मेटल का जो फ्रेम है वो भी ब्लू कलर का है। ऑनर 10 पर डुअल कैमरास है पीछे की तरफ, 16 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास। LED फ्लैश भी है और यहाँ पर लिखा हुआ है AI कैमरा है, मतलब कि बहुत ही एडवांस किस्म का कैमरा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। IR ब्लास्टर भी है आगे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर। आप इस हैंडसेट को एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह उपयोग कर सकते हैं। पकड़ने में ये हैंडसेट वाकई में बहुत ही कंफर्टेबल है और काफ़ी लाइट वेट भी है। इसका वजन है 153 ग्राम्स। 2.5D कर्व ग्लास के कारण ये जो हैंडसेट है इसे अलग सा एक प्रीमियम फील मिलता है, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको बटन्स और पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर जो राइट हैंड साइड पर है, और ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर मिलेगा, साथ में सेकेंडरी माइक्रोफोन है। ये है सिम ट्रे लेफ्ट साइड पर और नीचे की तरफ ये है ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट, लाउड स्पीकर और ये है प्राइमरी माइक्रोफोन। ये डुअल सिम हैंडसेट है और इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आप दो नैनो सिम का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो हैंडसेट है ये 4G विद वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है, डुअल वोल्टी सपोर्ट करता है, मतलब कि आप दो रिलायंस जियो का सिम एक साथ उपयोग कर सकते हैं। नॉच स्टाइल डिस्प्ले है जो आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, स्क्रीन ऑन होने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये पीछे की तरफ नहीं है बल्कि आगे की तरफ है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो ग्लास के नीचे है, और क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक है गीले उंगलियों से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा। अब ये जो फिंगरप्रिंट अनलॉक का जो प्रोसेस है ये इतना फास्ट नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, ये देखिए, थोड़ा सा आपको टैप भी करना पड़ता है, ये देखिए, फिर से करके दिखाता हूँ, टैप कीजिए और ये अनलॉक होता है, इंस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है। आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स मिलेंगे क्योंकि डेडिकेटेड बटन्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है सिर्फ वही है, ये देखिए। आगे की तरफ जो नॉच है उसमें इनकॉल स्पीकर है और साथ में कैमरा और LED फ्लैश, तीनों को एक साथ वहाँ पे फिट किया गया है। फिलहाल तो ये स्क्रीन ऑफ है, इसे जब मैं ऑन करूँगा तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा, ये देखिए। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, स्क्रीन को ऑन करता हूँ, ये देखिए। फिंगरप्रिंट अनलॉक के अलावा आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है, फिलहाल मैं फिंगरप्रिंट अनलॉक का उपयोग कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि थोड़ा सा समय लग रहा है। और अब मैं
फेस अनलॉक का ऑप्शन का उपयोग करूँगा। पावर बटन को मैं एक बार प्रेस करूँगा और ये देखिए फेस अनलॉक के ज़रिए इंस्टेंटली अनलॉक हो गया है। मतलब ये कि जो फेस अनलॉक है वो बहुत ही फास्ट है, कमाल का फास्ट है, जबकि जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है वो इतना फास्ट नहीं है। इस हैंडसेट पर EMUI 8.1 रन हो रहा है जो एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड है। और अगर आप ये जो वॉलपेपर देखें पीछे की तरफ किस तरीके से एनिमेशन हो रहा है इसका, कमाल का है। तो ये है ऑनर 10 स्पेसिफिकेशंस, फिर से बता देता हूँ। 5.84 इंचेस का स्क्रीन के साथ में आता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, इसमें हुआवे किरीन 970 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, 6GB रैम है इसमें, 128GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और पीछे साइड पर डुअल कैमराज है 24MP और 16MP के, और आगे की तरफ 24MP का सिंगल कैमरा है। इस हैंडसेट में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का उपयोग किया गया है, IR ब्लास्टर है, फेस अनलॉक है, डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, मतलब कि आप दो रिलायंस जियो का सिम एक साथ उपयोग कर सकते हैं, NFC है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS है, USB टाइप सी पोर्ट है। और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 3400 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं जल्द ही लेके आऊँगा, फिलहाल इस प्राइस रेंज में ये हैंडसेट काफ़ी अच्छा लग रहा है और दिख भी रहा है। अब इंतज़ार रहेगा OnePlus 6 का, देखते हैं कि OnePlus 6 का प्राइसिंग क्या होगा। वैसे मैं इन दोनों हैंडसेट्स का कंपैरिजन भी आपको लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेहतर होगा कि आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए और देखते रहिए।